हेलो फ्रेंड, हम आपको सबमर्सिबल खोलने का तरीका दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे यहाँ पे एक सबमर्सिबल पड़ा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए एक सबमर्सिबल है, तो इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये जो पोर्शन है इसको पीछे वाला से ये चारों पैंच खुल लेना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने आगे से खोल के रखा है, खुलने के बाद इसके अंदर देखिएगा रबर का वो रिंग होगा, उसको निकाल लेगा। उसके बाद चलिए आगे का साइड, देखिए आगे यहाँ पर एक इस तरह का रबार रबार देखिए यहाँ पे रबार होगा, ठीक है। जो उस रबार को आपको इस क्लाम के जरिए, ये जो क्लाम है क्लाम के इस तरह इसमें लगा होता है, इसको खुल लेना चाहिए। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए देख सकते हो दो अंदर इस प्रकार का देखा रहा आपको, इस प्रकार का एलांकी होगा, बोल्ट होगा, इस प्रकार यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो उसको पहले खुलना चाहिए। पहले ये दो एलंकी, ये जो दो बढ़िया वाला पेंच देख रहा है इसमें इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर दिया जाता है, इससे बॉडी नहीं खुलेगा। आपको ए और ए पेंच खुलना, खुलने के बाद आपको पीछे साइड जाना पड़ेगा। पहले पीछे से इसको खोल लेना चाहिए, ठीक है, अच्छा से यहाँ से हाथों से। जब इसको थोड़ा देखिए इस तरह आपको खुलना चाहिए, खुलने के बाद ठीक है यहाँ पे थोड़ा किसी औजार से आपको अच्छे से घा देना पड़ेगा। देखिए ये आ चुका है बाहर निकल के, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर निकल आया है। ये कैमरा में आके लगा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह जो पेंच था ये चारों ये निकल आ चुका है। आने के बाद आप देख सकते हो ये है, इसको थास किया जाता है, इसको इसको ऊपर जो थास अच्छा से घूमता है। ये आपको देखिए ये इसको कर इस तरह रहता है, और जो यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरह बैठा रहता है, ठीक है। और ये जो दोनों क्लाम है इस क्लाम दोनों स्टैक के अंदर रहता है। उसके बाद आता है जो देख रहा है यह थास, जो कि यहाँ पे इसके जरिए ये आराम से स्लिप से घूमता है अंदर, ठीक है, बियरिंग की तरफ काम होता है, स्लिप इस तरह स्लिप रिंग होता है। और इसके पीछे देखिए एक लॉक चाबी है, जो कि आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, ये रोटर के साथ रहता है। ये जो गड्ढा सा दिख रहा है इस गड्ढे के अंदर ये रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद रोटर को निकालना पड़ेगा। रोटर को निकालने के लिए आपको इसके अंदर चार बोल्ट होगा, आप देख सकते हैं ये जो अंदर जो फोटा है इसके अंदर चार बोल्ट होगा, ठीक है, चार या दो इस तरह का एलन की बोल्ट होगा इस तरह का। तो उसको आप खोल लेना, यहाँ पे चार बोल्ट रहेगा। इसको खोलने के बाद आगे चलिए, आगे दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। आगे साइड देखिए जो अगला साइड है यहाँ पे दोनों जो बोल्ट है इसको एलन की खोल लिया। खोलने के बाद आपको एक अच्छे से सख्त इस तरह काट के लकड़ी के ऊपर रखना पड़ेगा। रखने के बाद यहाँ से अच्छा से इसको इस तरफ घा देने से देखिए जब ठोका तो ये निकल आ चुका है। देखिए ये यहाँ निकल आ चुका है, देख सकते हो इसके अंदर है क्या क्या, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड ये जो है इसके अंदर दो बूस है, ये वाला सामने वाला बूस और ये बस पीछे से, ठीक है बस। इसके अंदर देखिए ये सेफ्ट, और आगे जो साइड है इसको उसी प्रकार से आप खुला जाता है। इसके अंदर लकड़ी के ऊपर ये जोर से रख घा देने से देखिए ये खुल चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार खुल चुका है। तो यहाँ पे जो रबर होगा
उस रबर को आपको निकाल लेना पड़ेगा पहले। निकालने के बाद यहाँ पे देखिए, जब भी निकल लेगा तो एक बूस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो बूस है, पीछे और सामने वाला, और यहाँ पे वाटर सील एक ऑयल सील, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ऑयल सील होगा जो कि इसके नीचे लगा हुआ है, स्टील के पट्टी के नीचे लगा है। उसके बाद चलिए आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो स्टैग आपको बोला था, जो स्टैग इस प्रकार जो बोल्ट, ये जो बोल्ट ये कहाँ से लगा होता है ये लगा होता है फ्रंट, देखिए ये जो होता है, ये जो बोल्ट, ये जो यहाँ पे देखिए एक यहाँ इस तरह एक पट लॉक है, लॉक के अंदर एक बोर्ड लगाने का एक क्लैंप लगा हुआ है, ठीक है। देख सकते हो गोल राउंड करके लगा है, यहाँ पे बोल्ट लगा होता है और उसके अंदर देख सकते हो ये जो देख पा रहे ये बोला, ये जो रिंग ये है लॉक है, ठीक है, शार्क क्लिप जिसको किया जाता है। ये देखिए इसको आप अच्छे से निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आपको इस तरह एक चूंचदार एक नोच प्लास लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपको ये जो यहाँ पे जो मुख देख रहा है यहाँ पे इसको अच्छे से ताड़ देने से निकल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको निकालना पड़ेगा या धीरे धीरे। चलिए निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने देखिए इस तरह का ये लॉक लगा होता है, उसके अंदर ये वाला ये जो रिंग है ये लगा होता है, इसके अंदर बोल्ट फंसा होता है। उसके बाद देखिए रोटर निकल आएगा, ठीक है। चलिए रोटर देखिए, ये प्लास्टिक का चीज जो कॉइल के अंदर रहता है, ठीक है, साइड में। उसके बाद ये है रोटर, रोटर निकल आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है इसको क्या जाता है कॉइल, ठीक है, ये वाला कॉइल है फ्रंट। देखिए ध्यान से, मैं आगे साइड आपको ये भी इस तरफ खुला जाता है, आपको दिखाता हूँ मैंने। चलिए ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो छेद है, इस छेद के अंदर आपको इस दोनों लॉक में आपको खुलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लैंप नहीं तो बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये भी निकल आ चुका है, उसके बाद ये भी निकल आ गया, देखिए खाली हो चुका है। अब आपको इसको अंदर दिखा देता हूँ, देखिए ये प्लास्टिक निकाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल है, देखिए, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉइल। तो कॉइल के लिए आपको थोड़ा एक वीडियो है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉइल का तरीका बता देंगे, कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है और क्या क्या है। थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो के आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और पास में जो बेल आइकन है ये भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपके इसके बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड।